नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मृत संजीवनी, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ओह, मानव लोक में रहने वाला ये मानव है इस विनाश का उत्तरदायी। उसी ने हिम दैत्य का वध किया है। मात्र हिम दैत्य का वध नहीं किया है सम्राट, वह हमारी जीवनदायिनी शक्ति घातनी को भी ले गया है। ओह, पलक झपकते ही हिम सम्राट हिमाक्षी के चेहरे पर क्रोध का समुद्र लहला उठा। तैयार हो जाओ साथियों, जो विनाश हमारे लोक में मचा है, हम उसका बदला मानव लोक में विनाश फैला कर देंगे और अपनी जीवनदायिनी शक्ति घातनी को वापस लाएंगे, उस मानव के लहू को बहाकर जो हिम रक्षकों और हिम दैत्य का वध करके घातनी को ले गया है। क्रोध से ग्रस्ता हिम सम्राट हिमाक्षी क्या जानता था कि भोकाल ने हिम दैत्य का वध अवश्य किया था, लेकिन घातनी शक्ति उसके पास नहीं थी। घातनी तो अंकित के पास मौजूद थी। जब तक घातनी शक्ति सिद्ध नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें अपने स्थान से हिलना भी नहीं है पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। शाबाश, सिद्ध यज्ञ में आहुति देना प्रारंभ करो, हम चलते हैं। बहुत जल्दी अंकित घातनी को सिद्ध कर लेगा और फिर वो होगा जो मैं चाहता हूं। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भोकाल मेरे आश्रम में। प्रणाम रिसीवर, क्षमा चाहता हूं, अब से बिना आज्ञा लिए आपके आश्रम में प्रवेश कर गया, परंतु आना अत्यंत आवश्यक था क्योंकि प्रश्न राजकुमार अंकित के जीवन का है। मैंने कुछ समय पूर्व ही अंकित को दुर्गम हिमाचल में देखा था। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने वास्तव में अंकित को देखा था या वो मेरा भ्रम था। वो तुम्हारा भ्रम था या वास्तविकता, ये मुझे नहीं पता, परंतु ये तुम्हारी घृष्टता अवश्य है कि तुमने मेरी आज्ञा के बिना मेरे आश्रम में प्रवेश किया। अगर मुझे अपने आश्रम की मर्यादा का ध्यान ना होता, तो तुम्हारी इस घृष्टता के लिए मैं तुम्हारे शीश को तुम्हारे धड़ से अलग कर देता। परंतु बस, मेरे धीरज की परीक्षा मत लो, चले जाओ यहां से। क्षमा करे कुलगुरु, महाबली को हमने अंकित की कुशल क्षेम जानने के लिए यहां भेजा था। अगर आपको इसका कोई दंड देना है तो हमें दीजिए। महारानी, रानी मोहिनी को सामने देखते ही ऋषि योगेश्वर का गुस्सा साबुन के झाग सा बैठता चला गया। अंकित सही सलामत है महारानी, परंतु वो इस समय आपसे नहीं मिल सकता। इस समय वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहा है। ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद कुलगुरु, यही जानना था हमें। महारानी, महाबली, उप सेनापति रणवीर सिंह, आप यहां कैसे? गजब हो गया महाबली, गजब हो गया। क्या हुआ? उप सेनापति रणवीर सिंह ने एक ही सांस में भोकाल को जो बताया, उसे सुनकर वहां खड़ा नहीं रहा भोकाल। क्या हुआ महाबली, तुम एकाएक कहां भाग चले? राजधानी में एक भारी संकट आन पड़ा है, मेरा तुरंत ही वहां पहुंचना आवश्यक है। कैसा संकट आया हुआ है राजधानी में? मैं जानता हूं संकट के बारे में, क्योंकि उस संकट की तैयारी मैंने ही तो की थी। और ये सब मैंने क्यों किया, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। विकास नगर में जो संकट मौजूद था, उसने विकास नगर के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे। उफ, वो हिम राक्षस तो हमारी हर घेराबंदी को तोड़ता, तूफान की तेजी से बढ़ता हमारी तरफ आ रहा है। अब तो इस राक्षस से निपटने का एक ही उपाय है, सभी संभाल लो अपने अपने हथियार और कर दो आक्रमण। ओह, ये क्या हुआ, मेरी तलवार हिम में बदल गई, मेरा भाला भी हिम का हो गया। भड़ा, ओह, हिमेंद्र की शीत तरंगों ने तुम्हारे हथियार को नष्ट कर दिया, अब नष्ट होने की बारी तुम्हारे शरीर की है। ओह, उसके हाथों से निकली शीत किरणों ने एक भयंकर हिम पहिए का निर्माण कर दिया है और वो हमें ही कुचलने हमारी तरफ बढ़ रहा है। भागो, तुम भागने की बात कर रहे हो? मेरी शीत तरंगे तुम्हें टस से मस नहीं होने देंगी। पैरों से लिपट गए शीत तरंगे ने सभी को उस रास्ते पर जमा दिया था जिस पर मौत उस विशाल हिम पहिए के रूप में बढ़ रही थी, और वो विशाल हिम पहिया निसंदेह ही सभी के शरीर को जमीन से चिपका कर गुजर जाना था।
लेकिन अचानक विशाल हिम पहिए की गति पर अंकुश लग गया और वो अंकुश लगाया था उन दो हाथों ने जो महाबली भोकाल के हाथ थे। सही समय पर पहुंचा मैं, अब किसी का बाल भी बाका नहीं होगा। उह, भोकाल की ताकत ने विशाल हिम पहिए को पीछे धकेला तो हैरान हुए बिना ना रह सका हिमेंद्र। यही वो मानव है सम्राट ने जिसका लहू बहाने मुझे यहाँ भेजा है, लेकिन इसके लहू में तो बहुत गर्मी है, ठंडा करना होगा उसके लहू की गर्मी को। ओह, ये जो शीत तरंगे मुझ पर फेंक रहा है उसके कारण मैं इस गोले को रोकने के लिए अपना पूरा बल नहीं लगा पा रहा हूँ। ये मेरे पैरों को उखाड़कर तेजी से पीछे धकेल रहा है। ऐसे तो ये मेरे साथ साथ सभी सैनिकों को भी रौंद कर गुजर जाएगा। मुझे ऐसा नहीं होने देना और उसके लिए मुझे बोलना होगा, भोकाल। महाशक्तिशाली बन चुके भोकाल ने उस विशाल हिम पहिए के को ऐसे उछाला जैसे बच्चा फिर कनी को उछालता है। या तेरे प्राण पखेड़े भी इसी तरह उड़ेंगे, दुष्ट, भूल जा। ओह, हिमेंद्र हिमाचल से तेरे प्राणों को उड़ाने आया है दोस्त। तेरी मुझसे क्या शत्रुता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन विकासनगर पर आक्रमण करके तूने भोकाल से शत्रुता कर ली है, और भोकाल का शत्रु या तो पराजय स्वीकार करता है या विनाश। भाग, और तेरे क्रियाकलाप बता रहे हैं कि तू सिर्फ विनाश का ही अधिकारी है। भाग, अच्छा हुआ मैं इस बर्फ के शैतान को जल्दी खत्म करने में सफल हो गया। ओह, मैं खत्म हो गया? कहाँ खत्म हो गया? ओह, हिम के टूटे टुकड़े ने आपस में जुटकर एक बार फिर हिमेंद्र को उसके शैतानी रूप प्रदान कर दिया है, और उसका ये नया रूप निश्चय ही पहले से अधिक भयानक और शक्तिशाली होगा। बिल्कुल है, मैं इसकी पकड़ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी। ओफ बता, अब तू अपनी तलवार का प्रयोग कैसे कर पाएगा? ओफ, ऐसे में मुझे सचमुच अपनी तलवार का ही सहारा था, लेकिन उसकी पकड़ के रहते मेरा तलवार का प्रयोग करना अत्यंत कठिन है। अब क्या करूं, मेरा शारीरिक बल मुझे इससे छुड़ा नहीं पा रहा। अपनी तलवार का वार मैं इस पर नहीं कर पा रहा, तो फिर मैं इससे कैसे स्वयं को और विकासनगर को बचा पाऊंगा? एक रास्ता है, सामने मौजूद विशाल हीरो का वो मुख्य द्वार, वहां लगे हीरे मुझसे इससे बचाएंगे। बस मुझे ये करना है कि अपनी तलवार से हीरो की दिशा में ज्वाला शक्ति छोड़ दी है। ज्वाला शक्ति विशाल हीरो की चमकती सतह से टकराने के बाद परिवर्तित होकर वापस लौटेंगी और हिमेंद्र से टकराएंगी। भोकाल की योजना काम कर गई थी, ज्वाला शक्ति ने हिमेंद्र के शरीर से टकराकर उसे वाष्प बनाकर उड़ा डाला था। ओह, सही समय पर मैं हिम के इस शैतान को समाप्त करने में सफल हुआ, परंतु ये समझ नहीं आया कि हिमेंद्र ने विकासनगर पर आक्रमण क्यों किया। उसके आक्रमण का कोई विशेष कारण था या वो वैसे ही उत्पात मचाने यहाँ आ गया था? वैसे ही तुम नहीं आया था, कारण तो था, लेकिन वो कारण फिलहाल हिमाचल के निवासियों को ही मालूम था। क्या कहा, हिमेंद्र को उस दुष्ट मानव ने समाप्त कर दिया? हाँ सम्राट, उसकी उसी चमत्कारी तलवार से निकली ज्वाला शक्ति तरंगों ने हिमेंद्र को समाप्त कर दिया, जिसने हमारे लोक में भी विनाश मचाया था। ओह, हिमेंद्र ने उसकी तलवार को हिम तलवार में बदलकर क्यों नहीं तोड़ दिया? हिमेंद्र ने ऐसा करने का प्रयत्न अवश्य किया था, परंतु उसकी चमत्कारी तलवार हिम में बदली ही नहीं, जबकि बाकी मानव के हाथों में थमी तलवारें पलक झपकते ही हिम में बदल गई थी। ओह, इसका मतलब तलवार उसकी बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन अब उसकी वो शक्ति उसके हाथ में रहेगी नहीं। हिमोला सबसे पहले उसकी तलवार को ही ठिकाने लगाएगा। ऐसा होगा तभी हमें उस दुष्ट मानव के प्राण और अपनी घातनी शक्ति वापस मिल पाएगी।
क्रोध से कांपता हिम सम्राट क्या जानता था कि भोकाल के पास मात्र उसके प्राण ही थे। घातनी शक्ति तो ऋषि योगेश्वर के आश्रम में थी। घातनी शक्ति के आसपास एक विचित्र सी आभा दिखाई देने लगी है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अंकित द्वारा घातनी शक्ति धीरे धीरे सिद्ध हो रही है। हीरे की भांति चमकती ऋषि योगेश्वर की आंखें बता रही थी कि वे सफलता के पास पहुंच रहे थे और इस बात का आभास भोकाल और रानी मोहिनी को हो गया था। कुलगुरु योगेश्वर ने मुझे अंकित से मिलने नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकित किसी संकट में है? ऐसा नहीं है महारानी, अंकित हर संकट के दांत खट्टे करना अच्छी तरह जानता है और वैसे भी ऋषि योगेश्वर के होते अंकित को आंच भी नहीं आ सकती। चिंता की बात मात्र इतनी है कि आखिर अंकित हिमाचल की दुर्गम पहाड़ियों में क्या कर रहा था। वो वास्तव में ऋषि योगेश्वर के आश्रम में ही है या अभी भी हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में मौजूद है? ओह, क्या हुआ महारानी जी, आप कांपने क्यों लगी? मुझे एकाएक सर्दी लगने लगी है, लगता है या तो मेरा स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया है या फिर वातावरण ठंडा हो गया है। अब मैं भी वातावरण में बड़ी बढ़ती ठंडक को अनुभव कर रहा हूँ और एकाएक वातावरण में इतनी ठंड और एकाएक वातावरण में इतनी ठंडक बढ़ने का कोई बहुत बड़ा कारण है, मुझे उस कारण का पता लगाना होगा। भोकाल जिस कारण को खोजने निकला था वो ज्यादा दूर नहीं था। आह, ठंड की अधिकता से मेरे हाथ पांव सुन पड़ गए हैं, मैं हिल डुल भी नहीं पा रहा हूं, मेरे तो लहू ही जमता जा रहा है। आह, ऐसे ही मरोगे हिमोला के द्वारा बढ़ाई गई ठंडक से, तुम सब ऐसे ही मरोगे और जब तक और तब तक मरते रहोगे जब तक तुम्हारा वो रक्षक मेरे सामने नहीं आ जाता जिसे तुम कहते हो भो काल। ओह हाँ, मुझे काल भी कहते हैं, तुम जैसो का काल। आ गया तू भोकाल, अच्छा है तू बहुत जल्दी आ गया। अब मुझे अपनी शीत तरंगों को सारे नगर में फैलाकर ठंडक फैलाने की आवश्यकता नहीं, अब मैं उस सारी ठंडक को तेरे आसपास के वातावरण में केंद्रित कर रहा हूँ ताकि मैं तुझे बुरी तरह तड़पा सकूँ और तुझसे जान सकूँ कि तूने घातनी शक्ति को कहाँ छुपाया है। ओफ, उसने जो ठंडक यहाँ के वातावरण में फैलाई है वो मुझे अत्यधिक तेजी से जमाती जा रही है, मेरा शरीर तो जम ही रहा है, मेरी नसों में बहता लहू भी जमता जा रहा है, मैं हिम प्रतिमा में बदलता जा रहा हूँ और इससे बचने का मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं बोलूं महागुरु भोकाल कड़ा। अपने ऊपर जमी हिम की परतों से छुटकारा पाने के बाद भोकाल ने सबसे पहले यही काम किया कि वे परतें दोबारा उसके शरीर पर ना जम पाए। मेरी तलवार से निकलती ज्वाला शक्ति का ताप यहाँ के वातावरण को गर्म करेगा। ज्वाला शक्ति के ताप ने जैसे ही वातावरण को गर्म करना शुरू किया वैसे ही तड़प उठा हिमोला। ओह, गर्मी, मुझे गर्मी सहन नहीं, तुझे ये गर्मी भी सहनी होगी और ये वार भी। भड़ा, ओह, तेरी ये तलवार बहुत ही भयंकर है, हिम सम्राट ने मुझे इसी से सावधान रहने के लिए बताया था और साथ ही बताया था कि ये तलवार तेरे हाथों से कैसे छुड़ाई जा सकती है। ओह, छूट गई तेरी तलवार तेरे हाथ से। अब मैं सबसे पहले इसका इंतजाम करता हूं कि तू इस तलवार को दोबारा हासिल ना कर सके, तलवार को हिम के इस पहाड़ के नीचे दबा कर। अब मैं सबसे पहले अपनी शीत तरंगों से उस प्राणघातक गर्म वातावरण को पहले जैसा ठंडा कर देता हूँ और तुझे मृत्यु की गोद में पहुंचाने से पहले तुझसे पूछता हूँ कि बता कहाँ है घातनी शक्ति? ओह, हिमोला ने मेरी तलवार को हिम पर्वत के नीचे दबा दिया है और वातावरण को पहले से भी अधिक ठंडा करके मुझे समाप्त करने में जुट गया है, लेकिन ये मुझसे किस घातनी शक्ति के बारे में जानना चाहता है? मेरे पास तो ऐसी कोई शक्ति नहीं, घातनी शक्ति का ये क्या मामला है? वो वातावरण में ठंडक बढ़ाने के साथ साथ मुझ पर अपने प्रहारों को भी बढ़ाता जा रहा है, मुझे इस समय कुछ और ना सोचकर सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मैं अपनों को कैसे बचाऊं
मैं अपने को कैसे बचाऊं और उसे कैसे समाप्त करूं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे कहानी पढ़ते हैं इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी जाओ सब्सक्राइब करो और उसकी भी वीडियोज़ को देखो। वहाँ पर मैंने जेन्युइन वीडियो बना करके रखी है और जो भी वीडियोज़ वहाँ पर आपको मिलेगी सभी की सभी 100% जेन्युइन मिलेगी। ओके, तो मिलते हैं आपसे इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।